दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वेदांतु एप्लीकेशंस में अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी वेदांतु एप्लीकेशंस में अपनी आईडी बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जो देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से वेदांतु एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली वेदांतु एप्लीकेशंस को आप अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे वेदांतु एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन में यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके सामने आप इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ साइन इन का। सिंपली आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके अंदर आपको सिंपली यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं। जिस मोबाइल नंबर से आप वेदांतु एप्लीकेशंस में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं। दोस्तों जैसे आप मोबाइल नंबर डाल देंगे उसके बाद में सिंपली आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड आएगा, उस कोड को सिंपली यहाँ पर आपको डाल देना है। दोस्तों जैसे ओ टी पी कोड को डाल देंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको कोई भी अपना नेम लिख देना है, जो भी अपना नेम है वो यहाँ पर आपको अपना नेम लिख लेना है। दोस्तों जैसे आप नेम लिख लेंगे उसके बाद आपको यहाँ से अपनी जो भी क्लास है उस क्लास को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। दोस्तों जैसे आप अपनी क्लास को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी अपना गोल है उस गोल को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों जैसे अपने गोल को सिलेक्ट कर लेंगे उसमें आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे उसमें आपको यहाँ से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे जैसे सिलेक्ट कर लेंगे उसमें आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसमें आपको यहाँ से भी कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे सिलेक्ट कर लेंगे उसमें आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसमें आपको यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ से भी एक सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों उसमें आपको यहाँ पर इससे सिलेक्ट कर लेना है कोई भी इसमें से एक। दोस्तों जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी अपना जो भी SBSE RBSE जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे उसमें आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली अदर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसमें आपको सिंपली यहाँ पर IIM टीचर्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। टीचर है तो टीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे क्लिक कर लेंगे उसमें आपको यहाँ जो भी अपने यहाँ पर लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है। उसमें आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे उसमें आपको यहाँ से सवाल का आंसर आपको दे देना है। ऐसा दोस्तों जैसे इस सवाल का आंसर दे देंगे उसमें आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसमें आपको यहाँ से अपना जो भी गोल है उस गोल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे आप गोल को सेलेक्ट कर लेंगे उसमें आपको यहाँ पर जो भी अपने एग्जाम के थ्रू जो लिखना चाहते हैं उस नेम को यहाँ पर आपको लिख लेना है। दोस्तों जैसे आप लिख लेंगे उसके अंदर आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट का। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके अंदर आपको यहाँ से किसी एक को यहाँ पर परसेंट को सिलेक्ट करना है। दोस्तों जैसे परसेंट को सिलेक्ट कर लेंगे उसमें आपको यहाँ पर मेल फीमेल जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे आप मेल फीमेल को सिलेक्ट कर लेंगे उसमें आपको सिंपली अदर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेम जो भी अपना यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आंसर लिख लेना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आंसर लिख लेंगे उसमें आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसमें आपको यहाँ से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे आप किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे उसके अंदर आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वेदांतु एप्लीकेशन में आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेदांतु एप्लीकेशन में यहाँ पर मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। दोस्तों इस प्रकार आप भी वेदांतु एप्लीकेशन में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर दो ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।